चीनी कोरोना वायरस से आज पूरे देश में त्राहिमाम की स्थिति है। जब से प्रवासियों का बिहार लौटना जारी हुआ है, तभी से बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,000 के करीब पहुंच चुका है। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया जिला के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर से 214 मरीजों की अब तक पुष्टि हुई है, जिसमें 158 मरीजों का इलाज चल रहा है। बनवन के अनुमंडल में 51 पॉजिटिव मरीज की पुष्टि है। यह आगरा जिला के विभिन्न अस्पतालों से कहीं ज़्यादा है। अस्पताल के डॉक्टर सरिका कुमारी ने बताया कि 51 मरीजों में 2 महिला शामिल है। हालांकि अभी जांच या फिर संक्रमित होने के भय से रोगियों का आना अस्पताल में कमी हुई है। क्वारंटाइन आइसोलेशन वार्ड में कुल 51 पेशेंट है, जिनमें से 2 फीमेल है, ओनली 2 फीमेल है। और सब पुरुष जी। तो मैडम ये बताया था कि किस तरह की उन लोगों के साथ विधि व्यवस्था बनाई गई है? यहाँ पर सर उन लोगों को हर चीज अवेलेबल है। उन लोगों का रिसैम्पलिंग भी लिया गया है और 8 तारीख को कुछ लोगों को 19 लोगों का रिसैम्पलिंग किया गया था, कुछ लोगों का 9 तारीख को। जिनका 8 तारीख को रिसैम्पलिंग हुआ है उन लोगों का रिपोर्ट आ गया, उनमें से 13 लोग नेगेटिव निकले हैं और बाकी 6 लोग पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव केसेस उनको अभी और रहना है और जो नेगेटिव केसेस हैं उनके लिए पेपर वर्क हो रहा है, उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। जिस तरह से देखा जाता था कि बनवन के अनुमंडल अस्पताल में पर डे 100 से 200 लोग यहाँ पे आते थे अपना रोग जांच कराने के लिए, लेकिन अभी तो यह पूरी धीमी अवस्था में चले गई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सर ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पर ये क्वारंटाइन सेंटर बनेगा, उन लोगों के मन में भय आ गया है कि यहाँ पर पॉजिटिव केसेस है नहीं रहेंगे, डर मन का एक डर है उन लोगों का, मेंटली प्रिपेयर नहीं है उन लोग इलाज कराने के लिए। जिनको कुछ ज्यादा काउंस भी है डर से नहीं आ जाएगा, जिनको सर्दी खांसी नॉर्मल वायरल भी है तो सोचते हॉस्पिटल जाएंगे तो कहीं हमको उसने बंद ना कर दे, ये मेंटली प्रिपेयर नहीं है उन लोगों को। कोरोना का इतना ज्यादा फोबिया हो गया है मन में कि डर से लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते।